सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है शेफ पूनम बिंद्रा और आज जो हम रेसिपी लेकर आए हैं वो है ऑथेंटिक बनने वाले अमृतसरी छोले और भटूरे की। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि छोले का परफेक्ट कलर किस तरीके से लेकर आते हैं, उसके अंदर अमृतसरी फ्लेवर्स किस तरीके से लाए जाते हैं और इसी के साथ में एक परफेक्ट भटूरे की रेसिपी जो हमेशा हम तलाश में रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत की जाएगी चने यानी कि काबुली चना, जिसे छोले कहा जाता है, उसे उबालने से। देख सकते हैं यहाँ पर कि थोड़े से छिलटे भी अलग हो गए क्योंकि इसे हमने ऑलरेडी रात भर भिगो के रखा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है परफेक्ट छोले तैयार करने के लिए। छोलों को अच्छी तरीके से वॉश करें और रात में इसे भिगो के रख दें। उसके बाद में इसमें एक पोटली हम तैयार करेंगे कुछ गर्म मसालों की। जनरली खड़े मसाले अगर हम ऐड कर दें डायरेक्टली ही कुकर के अंदर तो बाद में बच्चों के मुंह में ये स्वाद आता है जो उन्हें पसंद नहीं आता, तो इसलिए इसके साथ में एक छोटी सी पोटली जिसके अंदर थोड़े से गर्म मसाले हम ऐड करेंगे। साथ में ही हमारे पास में यहाँ पर ये पानी है, इसे हमने तैयार किया है चाय पत्ती के साथ में। रेगुलर घर पे जो भी चाय पत्ती हो उसके साथ में आप ये पानी को तैयार कर लें, इसे ठंडा कर लें और इसे भी हम उबलते समय ऐड करेंगे ताकि एक परफेक्ट काला रंग हमें छोलों पर मिल सके। तो परफेक्ट अमृतसरी छोले आप देख चुके हैं कि तैयार हो गए हैं, एक परफेक्ट कलर आ चुका है। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर हम पकने देंगे जब तक कि छोले और जो मसाला है वो अच्छी तरीके से रिझ नहीं जाता। और तब तक शुरुआत करते हैं परफेक्ट भटूरे की रेसिपी की। तो परफेक्ट भटूरे बनाने के लिए हमारे पास में यहाँ पर 5 कप मैदा है जिसके अंदर हम 1 कप रवा ऐड कर देंगे, साथ में ही बेकिंग सोडा। इसी के साथ इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा दही, कोशिश करके दही खट्टा इस्तेमाल करें, नमक और तेल। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिला देंगे और साथ में ही हमारे पास में यहाँ पर गुनगुना पानी है, तो जब आटा हम अच्छी तरीके से मिला लें जितना पानी की जरूरत हो उतना ही हम इसके अंदर ऐड करके इसका एक टाइट आटा तैयार करेंगे। हमें पता है कि छोले पकाने में काफी समय लगता है तो उतनी ही देर में बनाते हैं इसका एकदम परफेक्ट मसाला। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को कम्प्लीटली देसी घी में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है इसके अंदर ऐड करेंगे लंबा कटा हुआ अदरक, लंबा कटा हुआ लहसुन और लंबा कटा हुआ हरी मिर्ची और साथ में ही जाएगा यहाँ पे पीसा हुआ प्याज। चाहे तो चॉप्ड अनियंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको स्मूथ ग्रेवी चाहिए तो प्याज और टमाटर दोनों पीसे हुए का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर प्याज को हम लोग लगभग 10 मिनट से धीमी आंच पे पका रहे हैं और बहुत ही प्यारा ब्राउन कलर इसका आ चुका है। जनरली पंजाबी खाने की यही खासियत होती है कि प्याज परफेक्टली कुक होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल स्वाद नहीं आता। इसी के साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरीके से मिला के पका लेंगे जब तक कि अदरक और लहसुन दोनों की कच्ची खुशबू चली नहीं जाती। अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से पकने के बाद में ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। शुरुआत करते हैं लाल मिर्ची पाउडर से, साथ में ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसी के साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, सूखा धनिया, साथ में
थोड़ा सा अनारदाना, वेल अगर अनारदाना नहीं हो तो आखिरी में आप इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी के साथ ऐड होगी थोड़े से छोले मसाला। तो मसाला परफेक्टली पक चुका है। याद रखें थोड़ा सा पानी का छींटा जैसे हमने इसमें ऐड किया था वो ज़रूर ऐड करें ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं, और अच्छी तरीके से धीमी धीमी आंच पर मसाले पकने दें। इसी के साथ में ऐड कर देंगे इसके अंदर पीसे हुए टमाटर और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब मैं इसे धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए रख दूंगी जब तक कि थोड़ा सा तेल नहीं छूट जाता।